to be really emotionally and mentally uh, ready to do this i'm sure they come back with something you know because you've lived this experience and you can't explain it to anyone to be honest they were fascinated by us you know what i mean Pakistani i think it was a personal development for everyone हेलो दोस्तों इट्स इट्स अली गुलपर आई एम श्योर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मथीरा हमारा चौथा पॉडकास्ट है और मैंने सोचा कि आई शुड स्विच द थीम अप टू एडवेंचर और uh, मेरी एक दोस्त है रमशा अली और वो मेरे लिहाज से काफ़ी एडवेंचरस है वो वेकेशंस भी जाती हैं तो बहुत ही एडवेंचरस डिफरेंट ऑफ बीट जगहों पर जाती हैं एंड थी शी इज़ वेरी सक्सेसफुल और इनका एक ट्रोफ़ी हस्बैंड है जो दिखने में सही है बाकी कुछ काम करनी है अकबर चौधरी सो so, आ चुरा से रमशा और अकबर अली और अकबर अली एंड रमशा अली कैसी हैं आप Uh, मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन गुडन विद मथीरा कॉलिंग माई हजब एंड योर फ्रेंड सो या थैंक यू सो मच वेरी हैप्पी टू बी हेयर थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर बींगर अच्छा सो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं कि रमशा यहाँ पे क्यों है रमशा के पास एक बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है रमशा के टू बेस कैम्प तक जा चुकी हैं और फॉर सो आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर मैं चाहता था कि मैं रमशा से बात करो उनके एक्सपीरियंस उनकी जर्नी के बारे में बात करें आ, कि वो कैसे आपने अचीव किया अच्छा तो इसकी ट्रेनिंग क्या होती है क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल क्लाइमर नहीं है ये आ, योगा और साउंड हीलिंग में काम करती हैं और टीचर भी हैं बट इनका कोई पहाड़ों से कोई इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं है आई थिंक ताल्लुक वैसे है जब कैम्प क्या ताल्लुक है आप पहाड़ में पैदा हुई मतलब एक एक है जब भी तो पर यह नहीं है ना पैदा नहीं हुई के साथ। of course, of course. नहीं, नहीं, नहीं वो ताल्लुक है मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे नहीं कि प्रोफेशनल यू नॉट प्रोफेशनल क्लाइमर के ना आप पहाड़ों में रहती है आप शहर कराची में रहती हैं सो सो हाउ डिड यू थिंक के टू बेस कैप ओके सो आई थिंक के पहाड़ों से शुरू से यू नो देर वॉज इज थिंक आई आई लाइक माउंटेंस यू नो वैट पीपल से के डू प्रेफर द माउंटेंस और द बीच अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन ऑलवेज सेम माउंटेन्स बिकॉज आई फील लाइक माउंटेन्स हैव दिस साइलेंस एक खामोशी होती है वहाँ पर जो आपको कहीं और नहीं मिलती सो के टू बेस के हम इसलिए हैं क्योंकि आई हैव बिन टू सम अदर ट्रैक्स बिफोर यहाँ वहाँ इधर उधर बट नॉट लाइक ऑफ दिस इंटेंसिटी

आई मतलब बहुत दिनों से मैंने कोई जर्नी नहीं की थी आई डिडेंट गो फॉर दिस आइसोलेशन जिसमें चौदह दिन जिसमें बिल्कुल दूर हैं आउट ऑफ रूटीन आउट ऑफ योर कम्फर्ट नो फोन नो बेड नो फूड प्रॉपर लाइक लिटरली नथिंग लाइक आई वॉन्टेड टू गो ऑन अ जर्नी लाइक दिस वेर आई एम लाइक बिट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन तो अगर कोई क्लाइमर um, जो नई प्रोफेशनल क्लाइम्बर नहीं है इंथोजियस्ट वो जाना चाहता है के टू बेस कैम्प स्पेशली अगर वो औरत है

बेस कैंप और आप कह रहे हैं कि यार ये या ऐसे मैं दस हज़ार रुपये बचा दूँ हाँ। तो ये नहीं करें क्योंकि इट्स वंस इन लाइक लाइफ टाइम वाली I mean चीज़ है yeah. uh, तो यू शुड स्पेंड मोर ऑन ठीक है फिर 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 आपने ट्रेनिंग okay, की बात ना ट्रेनिंग पार्ट सो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी फिट टू डू दिस ठीक है यू नीट टू हैव प्लान इन टर्म्स ऑफ लाइकेंस नीड टू हैव एजिलिटी लाइक यू नीड टू बी फिट टू डू दिस अच्छा okay. अगर मैं ये नहीं हूँ oh. और मैं सारे दिन बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करता हूँ रात को दो बजे मैं बर्गर खाता हूँ और मैं कोई वर्कआउट नहीं करता तो मुझे कितना क्या करना चाहिए ब्रीफली ब्रीफली यू नीड टू एटलीस्ट सिक्स मंथ्स बिफोर यू नीड टू स्टार्ट रनिंग यू नीड टू गो टू अ जिम यू नीड टू बिल्ड सम स्ट्रेंथ इन योर लेग्स इन योर कोर बेसिकली फुल बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ पे काम करना है हाँ इंड्योरेंस पे काम करना है कार्डियो पे काम करना है योर हार्ट रेट बिकॉज इट्स सो यू गोइंग सो हाई सो इट इट मैटर्स बट अदर देन दैट इफ यू टॉक अबाउट गेटिंग रेडी आई थिंक नो नथिंग कैन प्रिपेयर यू फॉर वॉट दर इट इज लाइक हम हम चार लड़कियाँ थीं ठीक है उनमें से एक वॉज नॉट लाइक वेरी प्रिपेयर टू डू इट उसने की थोड़ी बहुत वॉक वगैरह जो भी बट शी वॉज मिजरेबल थ्रू आउट वो मैं अपने मोहल्ले में वॉक करने चली जाती थी हाँ. तो बेसिकली शी वॉज मिजरेबल एंड बट मोर देन द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द फिजिकल वो नीड टू भी रियली इमोशनली एंड मेंटली रेडी टू डू दिस और वो नहीं थी आई थिंक कि हाँ वो नई थी तो, तो कभी तो आपने सोचा कि इस अर्स को यहाँ ही धक्का दे दें नहीं इतने नहीं द थिंग वॉज कोई देख भी नहीं रहा ना क्योंकि कौन सी सी कैमरा है हाँ बट, तो बट बट स्टिल आई थिंक कि उसके होने से मज़ा भी आया क्योंकि फिर यू you नो know, थोड़ा बातें करने के लिए थी उसके बारे में उसकी बुराई हाँ, हाँ तो मतलब मजा आया मजा आया एंड देन भी बट बट uh, नहीं आई ऑनेस्टली थिंक के यू नीड टू बी रेडी बिकॉज वहाँ पे कोई आपके पास स्टिमुलस <laughs> नहीं है इवन इफ यू हैव योर फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड योर पार्टनर इट ड मैटर बिकॉज इन दी एंड आप सब अपना ख्याल रखो right? क्योंकि इतनी हालत खराब हो जाती है exactly. कि इंसान वो है नहीं कि यार ये मेरे दोस्त का देख लूँ नहीं भाई अपना ही ah, okay. पहुंच जाऊँ बड़ी बात है एक्जैक्टली जस्ट नयर ऑफ यो मेंटली वॉट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग During this process. दिन की होती। दिन, और कितने घंटे में कितना आप ट्रैक कर रहे हो आप कितना ट्रैक कर रहे हो सो दर्स्ट टू डेज फॉर एट टू नाइन आवर्स आई थिंक ठीक है मतलब रूटीन ये थी सुबह उठे भाई सुबह पांच बजे उठ गए दान ब्रश किए सर्दी में मर रहे हैं, फिर हाथ धोए डिपेंड करा था वहाँ पे हमारा जो ये था ये प, हमारे ये, टूर कंपनी की जो एक अच्छी बात थी ट्रैकिंग सॉरी तो वो गर्म पानी कूलर में रख देते दे थे दे हमारे पास hmm. बॉयल करके लाइक हॉट वाटर इन द ऑनेस्टली कुछ भी नहीं धुला कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज अगर धो भी लेते थे बिकॉज यून

बट हाँ लाइक ये सब कुछ किया आपने उसके बाद नाश्ता एंड uh, बस दैट्स इड यू पैक योर बैग टेक योर बैग यू हैव योर डे बैग विद यू यू गेट रेडी एंड द डिफिकल्ट पार्टिस अब सुबह देखते हैं कि मौसम कैसा है हाँ. कि गर्मी हो रही है सर्दी हो रही है वी एक्सपीरियंसड ऑल फोर वैदर्स लाइक लिटरली पागलों वाली गर्मी पागलों वाली ठंड पागलों वाली बारिश थंडर स्टॉम आ गया हवाएं चल रही हैं पता नहीं क्या क्या वी एक्सपीरियंस एक्सीडेंट होने वाला था कि कोई गिरने वाला हो और बचा दिया हो या किसी को चोट लगी हो हल्की सी यार yeah, नॉट गि, गिरे तो हम मतलब वो तो नॉर्मल थाचा चलते-चलते थोड़ा okay. बोल रही थी cuz it was so pathway right like जो हम देखते हैं वीडियोस में दैट्स अ थिंग एज़ वेल के वीडियोस जो भी हैं हमारे पास के टू बी स्कैम कि अगर कोई लेट्स से कि एनीवन हु डजंट नो और वो जाना चाहे So, you know, तो यू नो इतना खूबसूरत लग रहा होता है ah. एक आया ड्रोन शॉट पहाड़ ऊपर ah. से yeah. नहरें बह रही हैं इट इज़ ब्यूटीफुल बट आपको नीचे देख के चलना होता है yeah. कोई कुछ भी नहीं आपको दिख रहा कोई खूबसूरती नहीं दिख रही होती आई एल बी ऑनेस्ट हुई अच्छा हाँ पहाड़ हैं ठीक है ओके फाइन बिकॉज यू आर सो एग्जॉस्टेड सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द रियलिटी ऑफ द ट्रैक भाई कोई इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क दिस न थिंग तो हम गिर रहे हैं अच्छा कूदना गिर गया खाना वॉज सो गुड टू बी ऑनेस्ट हमारा एप्रिक अगेन एप्रिकॉट टूअर्स दे गेव एस पिज्जा एट के टू बेस कैंप वी हैड बिरयानी दे मेड इट भाई दे डिड एवरीथिंग दे वर सो गुड एंड दे मेड पिज्जा और एट द टॉप दे मेड इट उन्होंने चूल्हा को फिर देगची को अवन बना के दे मेड पिज्जा फॉर अस वी हैड चाइनीज वी हैड बिरयानी पलाव फ्राइड चिकन फ्रेंच फ्राइज एंड वेन वी फिनिश द ट्रैक एवरी डे जब हम आते थे कैंप में मतलब पहुँचते थे पकौड़े फ्राइज कैचअप कैचअ लाइक कैचअ फॉर गॉड सीख मसाला भी डला हुआ था उसमें एंड चाय इज रेडी एंड शाम में बिस्किट चाय सब कुछ एंड द अदर पीपल फ्रॉम आई टेंट यूज टू बी लाइक कौन सा तुम लोगों का टेंट है लाइक जो बिस्किट भी खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करें बस इसी लिटरली इसी चीज की कमी रह गई थी बना बाकी सोने का अरेंजमेंट कैसा होता था सो देर नो कोर्स टेंट्स ठीक है एंड टू पीपल अ टेंट टुगेदर और कोई ऐसा होता था कि रात को कोई स्नोरिंग कर रहा है साथ या। वाला या फार्ट कर लिया और पकौड़ों की बदबू आ रही है आई थिंक ए हां वो तो ऑफ कोर्स बट आई थिंक ए हाइजीन मतलब हम नहीं नहाए मतलब एक दफा हम नहाए दो दफा हम नहाए थे वो भी हम स्पेशल थे जो हमने नहाए थे कोई नहीं नहाता सो यू डोंट रियली केयर सबको जो हो रहा है दूसरे के सामने बाथरूम कर रहे हैं फॉरगॉट इट्स लाइक व्हाट वाज योर टेक अवे रामशा आपने ये पूरी जर्नी की आप व्हाट वाज द लेसन अह आई थिंक दिस आई थिंक इट बहुत ही क्लिशिय बात है लाइक यू नो इट्स अ लाइफ चेंजिंग ट्रिप एंड वर एवर बट इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग ट्रिप एंड आई ऑनेस्टली थिंक इन वॉट वे आई थिंक इट वॉज अ पर्सनल डिवेलपमेंट फॉर एवरी वन सो वैन यू वैन यू कम बैक एंड इवन आई रिलइज माई फ्रेंड्स इवन टेल मी दिस जो हमारे साथ गए थे कि यू आर डिफरेंट पर्सन बैक दैन यू नो आई फील लाइक कि मुझे ये होता है कि यार द बॉडी डिड दिस द बॉडी वॉज सो रिजिलियंट लाइक आई कु डू दिस तो मतलब यू नो अब तो कुछ भी नहीं है hmm. अब तो बस हो जाएगा ये भी हो जाएगा लाइक like, पहले लाइट चली गई मर रहे हैं अल्लाह तीन घंटे गर्मी अच्छा हाँ ठीक है लाइक like, like, लाइट नहीं है तीन घंटे यू you नो know? बर्दाश्त आ गया आप पे यू यू थिंक यू आर बिकम मोर टॉलरेंट आई थिंक so हाँ अकबर विल डिसएग्री व्हेन ही लिसन्स टू दिस बिकॉज ही थिंग्स एंड आई एम ऑलवेज माइनिंग बट बट I think but that's that's good cool, that could also be just uh, you know like of course you come back to city uh, abdubara, Karachi mein aake, matlab you know mm -hmm. but uh, I feel like you you everyone has a different like you know a lesson and it's not like a lesson you can explain perhaps but jobata I'm sure they come back with something you know because you've lived this experience and you can't explain it to anyone to be honest and would you recommend it to anyone who is watching it of course of course everyone uh, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि एज अ वुमेन वट हाउ वॉज यूर एक्सपीरियंस क्या वहाँ पे ये बहुत सारी औरतें आपने देखी क्या सो टू बी ऑनेस्ट नॉट अ लॉट आई थिंक दो और हमें पाकिस्तानी uh, औरतें यहाँ पे मिली बट नहीं टोटल कितनी, तो कितनी औरतें आपने देखी जर्नी में रफली दस आठ पाँच तीन ही देखी

They were fascinated by us. You know what I mean? ये पाकिस्तानी है। करती है। वो है। लेकिन अच्छा मतलब पाकिस्तानी लड़कियाँ कराची से और उनकी शादी भी हुई हुई है क्यूँ नहीं आया हसबैंड ने क्यूँ जाने दे दिया वो हसबेंड इनका तो रोल कर रहा है

उनके लिए एक uh, एक नई चीज थी देखने को बट हाँ और अब और भी बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं औरतें जा रही हैं हैंज अमेजिंग माउंटेन्स एंड शो द वर्ल्ड दे कैन डू एनी थिंग दे वाइक एवरी वन एल्स यू रमशा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड आई होप टू जब आप दूसरा कुछ बाकी लिस्ट में करेंगी तो फिर वो एक्साइटिंग अगर होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा फिर से डन थैंक यू